फटाफट से मैंने दर्श के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट बनाकर उसका लंच पैक किया, देन उसको लंच कराया और फ्रूट वगैरह स्कूल में फ्रूट रोज़ एक फ्रूट कोई भी ले जाना कंपलसरी है, तो वैसे तो मैं उसको बनाना देती हूँ बट बनाना आज मैंने उसको अवॉइड किया। आज मैंने उसको लंच में एप्पल दिया था और फटाफट सारा काम करके ब्रेकफास्ट बनाकर लंच पैक कर उसका, एक्चुअली मॉर्निंग में ना मैं उसका बैग पैक वगैरह यही सब करती हूँ, बाकी जो भी रेडी करवाना होता है वो अपने पापा उसके करते हैं। तो दर्श के स्कूल का टाइम है मॉर्निंग में 7:50 से लेकर 1:50 तक, तो उसको स्कूल में 7:50 से पहले पहुंचना होता है। 1:50 मतलब अब उसका स्कूल का गेट खुलता है, देन 2:15 बजे तक घर आ जाता है दर्श। यहाँ पर उसको मैं ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ, फिर भी ब्रेकफास्ट करने में तो इसके बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत मुश्किल से इसको मतलब पटा पटा के ये करूँगी वो करूँगी कर कर के मैं इसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। वैसे दर्श को ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, जितनी बार इसको मतलब बोलो उतना उतनी बातें बनाता है वीडियो में। यहाँ पर अपने पापा से रेडी हो रहे हैं फटाफट से स्कूल के लिए। आज देखिए कौन आया हमारे घर, ये है मेरे बड़े भैया, ये आए हैं आज हमारे घर और बहुत सालों बाद आए हैं, आई थिंक 3.5 सालों के बाद आए हैं ये। कोविड के चक्कर में थोड़ा दिल्ली इनका आना जाना नहीं हुआ और ये डॉक्टर हैं, बिहार में मोतिहारी में डॉक्टर हैं ये। सो बहुत अच्छा लगा ये आए, एक्चुअली इनको वैष्णो देवी जाना था तो पहले ये हमारे पास आए, यहाँ से आज शाम की इनकी ट्रेन है 7 बजे की वैष्णो देवी के लिए, तो वैष्णो देवी की दर्शन के लिए ये आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी दिनों बाद हम मिले, ये मेरे बड़े भैया हैं। बाबा को भी बहुत खुशी हो रही थी इतनी, मतलब बाबा भी कुछ 6-7 महीने हो गए यहाँ पर, तो वहाँ इनके मतलब बिहार से कोई इनसे मिलने आता है या कुछ, तो ये बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं कि इतने दिनों बाद मतलब मैं किसी से मिल रहा हूँ या कुछ, तो बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ
ना आकाश मेरे YouTube चैनल के बारे में, मैं वीडियो शूट हो रहा था ना उधर, तो इसलिए वो कुछ बोल रहा था भैया से। आज ना देवांश की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मतलब लूज मोशन और वॉमिटिंग, ऊपर से फीवर। दवाई देने के बाद भी मतलब उसको आराम नहीं हो रहा था, तो वही सब डिस्कस कर रहे थे हम भैया से, तो मतलब इसको क्या दें दवाई क्या नहीं, तो यही सब। लंच टाइम हो गया था तो यहाँ सब लंच वगैरह कर रहे थे, अपना बातचीत हंसी मजाक ये सब चल रहा था, और उसके बाद से फिर भैया की ट्रेन भी थी तो जल्दी लंच करके यहाँ पर, फिर हमने मैं शाम के बर्तन धो रही थी और मम्मी रात के लिए सब्जी वगैरह काट रही थी। तो ना आज मैंने वैसे कोई ब्लॉग ज़्यादा मतलब शूट नहीं किया है, बिकॉज मैं देवांश को लेकर थोड़ा परेशान थी, इसकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, बच्चे की तबीयत ख़राब होना उससे मेरा मन नहीं करता कि मतलब शूट करो ये करो करो, तो इसलिए मेरा थोड़ा आज रह गया। और वैसे थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था मन, हाँ तो यही सब ये किया मैंने। गाइस अभी इसकी बहुत तबीयत खराब है, ये बहुत पॉटी कर रहा है, उल्टी कर रहा है, देखते क्या होता है। सच में तबीयत खराब है देवांश की, मैं सच कह रहा हूँ। और आपको पहली बार आज देवांश की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर, तो आज मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। ये भी काफ़ी देखो वीक हो गया एक दिन में कितना, तो आज मैंने व्लॉग भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, थैंक यू।